वक्त डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पीएफआई को लेकर, चलिए आपको सीधा दिखाते हैं। पीएफआई के बारे में जैसा डीजीपी साहब ने डिटेल में आपको बताया है, 108 लोगों की गिरफ्तारी पिछले 4 दिनों में हुई है। ये जो 25 पहले जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिन पर कार्रवाई हुई, उसके अतिरिक्त है और कार्रवाई बहुत सख्ती से की गई है। पूछना चाहेंगे एक दो क्वेश्चन जी। जो पहले 25 जो अरेस्ट थे उन उस समय जो उनके राज्य स्तरीय पदाधिकारी रहे हैं, अब उनके अनुयायी और जिले स्तर में एक्टिव रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी अब हुई है जी। देखिए ऐसा है कि इस संगठन के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की भी जानकारी ली जा रही है और इसमें केंद्रीय एजेंसीज का भी सहयोग लिया जा रहा है। तो हम लोगों का पहला टारगेट तो यह है कि इनको आइडेंटिफाई कर लें और कार्रवाई इन पर करें। ये एक अभियान ऐसा है कि निरंतर चलता रहेगा और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहेगी। जैसा डीजीपी साहब ने कहा, किसी भी रूप में देश विरोधी जो गतिविधियां हैं प्रदेश में, जहां भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, हमारा अभियान जारी रहेगा। जी इसकी जानकारी रमा शास्त्री साहब बताएंगे। और जी जैसे अभी आपको अवगत कराया गया, साक्ष्य संकलन एक निरंतर प्रक्रिया है और साक्ष्य संकलन में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी एक प्रमुख बिंदु है। इस पर अपने साथी संस्थाओं के साझा प्रयास में अभी हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और कालांतर में आपको अवगत कराया जाए इसका परिणाम क्या है। देखिए हम जैसे मैंने बताया था कि जिसमें हम अपने साझा कार्रवाई में कर रहे हैं उसका जैसे उसमें ईडी भी शामिल है, अन्य एजेंसीज भी शामिल है, उनसे हमारा बराबर इंटरेक्शन होता रहता है और कुछ सूचनाएं हमारे पास प्राप्त होती रहती हैं, पर उनका जब कॉन्क्रीट रूप कोई हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तब हम कार्रवाई करते हैं। तो इस स्टेज पर क्या डिटेल्स हैं या क्या हमारी शेयरिंग है एजेंसीज से, उस विषय में हम कमेंट अभी नहीं करेंगे, अप्रोप्रिएट टाइम आने पर हम उसको ये बता दें। आप कुछ है तो 108 की जो जानकारी आपको दी गई है ये पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं। अब रही बात जो समय समय पर 19-20 के जो अवैध कार्य किए गए हैं, वो गिरफ्तारी में अलग अलग प्रकार के लोग थे, अभी ये 108 पीएफआई से जुड़े हुए हैं। देखिए जो ये 19-20 की जो घटनाएं हैं हुई हैं उनकी पूरी जांच भी अभी पेंडिंग है और हम जवाब भी जो है उसका तैयार कर रहे हैं। तो उस पर जैसा डीजीपी साहब ने कहा है कि अभी बहुत ज़्यादा हम उसको खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि ये पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है और उसमें और डेप्थ पर जाएंगे। लेकिन ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि यूपी ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले पीएफआई के जितने भी ऐसे सदस्य थे उन पर जो है नजर रखते हुए उन पर कार्रवाई की है और फिर दोबारा 4 दिन में लगकर यूपी पुलिस ने जो मजबूती से कार्य किया है। तो इस कार्रवाई को तो अभी शुरुआत है, हम लोग जड़ तक जाएंगे। जैसा आप बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, जड़ पर अगर फाइनेंशियल डीलिंग्स और बाकी चीजें उसकी भी जांच कर रहे हैं। डीजीपी साहब ने आपको बताया कि भारत सरकार की एजेंसी से हम निरंतर डे टू डे टच में हैं और उनका पूरा सहयोग भी ले रहे हैं और उनको हम सूचनाएं भी दे रहे हैं। थैंक यू।
कमिश्नर ने अपडेट किया था उसमें जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं उस पर टाइम 8 टीमें लगा दी गई हैं, वो उस पर कार्रवाई कर रही हैं और सारी पॉसिबिलिटीज ओपन हैं। अभी जैसे ही कोई कॉन्क्रीट चीज़ निकल करके आएगी आपसे शेयर की जाएगी। लखनऊ से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे डीजीपी की। पीएफआई को लेकर पूरे देश में पीएफआई का किस तरीके से विस्तार हो रहा है वो आप देख सकते हैं। अब तक पीएफआई के 108 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं सिर्फ लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पीएफआई के 14 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है, जैसा कि आपने डीजीपी से खुद सुन लिया। बहराइच में पीएफआई के भी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और सबसे खास बात यह है कि 4 दिन में पीएफआई के 108 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। तो सोचिए ये संख्या कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो पूरे पीएफआई का देश भर में किस तरीके से फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में पूरे देश भर में 108 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पीएफआई के पश्चिमी यूपी में अधिक सक्रिय होने की खबर सामने आ रही है, तो पूरे देश भर में पीएफआई का विस्तार हो रहा है। लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप और अब तक पीएफआई के 108 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सिर्फ लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में पीएफआई के 14 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। बहराइच की बात करें तो बहराइच में 16 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है और कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में पीएफआई के 108 सदस्य को गिरफ्तार किया जा चुका है।